नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल फार्मिंग प्रो पे। आज मैं जो जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि हमें जो धान के खेत हैं, जब निसारे भी होता है तब हमें कब और कैसे स्प्रे करनी चाहिए। दोस्तों, तकरीबन हमारे जो एरियाज हैं आसपास के, तो वहाँ पे जो धान है उसमें भी निसारा स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भूल कर भी आप धान में स्प्रे ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर निसारे के बाद में क्या होता है कि जैसे कि बूर पड़ता है, फ्लावरिंग होती है धान के अंदर, तो आपने स्प्रे की तो फ्लावरिंग जड़ के नीचे गिर जाएगी और आपके जो उपज है उसमें भारी गिरावट होगी, उसका जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। हाँ, अगर आपको स्प्रे करनी है तो वो कब करनी थी, निसारे से पहले 3 या 4 दिन पहले आपको 2 स्प्रे करनी थी, जिसमें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे आती है और दूसरी फंगीसाइड की। माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे का ये फ़ायदा है कि जो साइज है, जो लेंथ है बाली की धान की, उसमें बढ़ोतरी होती और वेट जो ग्रेन्स का है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, तो ओवरऑल आपकी जो उपज होती है वो अच्छी होती है। और फंगीसाइड की जो स्प्रे है उसको करने का ये फ़ायदा है कि जो अभी क्या है कि फंगस के कारण बीमारियाँ आएंगी, उसमें लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट एंड नेक ब्लास्ट आएगी, वो थोड़ी टाइम के बाद में आएगी, और एक सीट ब्लाइट। तो दोस्तों, फंगीसाइड का हमें ये फ़ायदा है कि हम इन बीमारियों से बच जाते, और माइक्रो न्यूट्रिएंट का ये फ़ायदा था कि हमारा जो वेट है, जो हमारी उपज है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। और जो पानी है वो हमें कब और कितना लगाना है, इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। पानी हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या है कि हमारे जो फंगस की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, बीमारियाँ ज़्यादा आ सकती हैं हमारे खेत में। पानी को हमें इस हिसाब से लगाना है कि 1 या 2 दिन के अंदर वो पानी हमारा ज़मीन के अंदर चला जाए, और अगले 1-2 दिन के अंदर हमारी जो ज़मीन है उसमें नमी मेंटेन रहे, ताकि हमारा जो निसारा है उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ये बात ऐसे है दोस्तों कि जो निसारे का टाइम होता है ना, उस वक्त हमें पानी की भी ज़रूरत होती है, अभी हमारे खेत में पानी भी बना रहे, हमारा खेत बिल्कुल सख्त ना, बिल्कुल सूखा ना हो, ताकि जो बालियाँ हैं वो अच्छे से निकलें बाहर। और जब दोधा पड़ता है तो उस वक्त पानी की तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि दोधे के वक्त क्या होता है कि जो पानी है वो काफ़ी मात्रा में होगा, तो वो दोधा अच्छे से बनेगा और वेट हमारा जो ग्रीन्स का होगा वो अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक किए, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। नीचे जो लाल बटन बना है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।